subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो बैंक निफ्टी आज बंद हुआ है 35,740 पे, लगभग 311 पॉइंट गेन के साथ। और यहाँ हम देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे यहाँ हमें दिख रहा है लगभग 3% के गेन, 950 पॉइंट के गेन के साथ बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। नीचे के लेवल से हमने अच्छे खासा रिकवरी भी यहाँ आते हुए देखा है। तो यहाँ हम ट्रेड कर रहे हैं सभी एवरेज के ऊपर, तो एक बुलिश साइन है। और अगर हम यहाँ सस्टेन करते हैं, अगर हम 35,300 के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो है एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड दिखा सकता है आपको जो है। तो यहाँ से एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड रिवर्सल या फिर कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो यहाँ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्हें वॉच करना चाहिए 35,300 का लेवल, उसके ऊपर जो है वो बैंक निफ्टी बुलिश रहेगा मीडियम टू लॉन्गर टर्म में। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी जो है 200 डेज का जो एवरेज है उसको क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ अभी जो इमीडिएट टारगेट दिखता है मुझे वो 36,500 का। और उसके बाद में जो है तो रैली अगर शार्प रही तो इसी महीने हम 38,000 के भी लेवल बैंक निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं। तो जब तक बैंक निफ्टी 35,400 के ऊपर है, आपको यहाँ बाय ऑन डिप्स व्यू रखना चाहिए। ऊपर जो है तो 36,500 और उसके बाद में 38,000 के शॉर्ट टर्म में आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी कल के लिए देखते हैं क्या ट्रेड रहता है। तो यहाँ जो है तो आप देख सकते हैं कि हमने फ्री हाई देखा था लगभग 35,700 के अराउंड, वहाँ से फिर वो जो हाई था उसको आज हमने फिर से क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ जो भी स्टॉप लॉस पड़े होंगे, जिन्होंने भी शॉर्ट किया होगा इस कैंडल के हाई पे, उन सब के स्टॉप लॉस जा चुके हैं। और यहाँ से जो है तो मुझे लगता है और एक शॉर्ट कवरिंग का पुशअप मिल सकता है मार्केट में, जिसका टारगेट रहेगा 36,100 से लेकर 36,500 का। तो यहाँ जो है और एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है ऑन चार्ट। तो यहाँ बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा। बैंक निफ्टी आपको बाय करना है डिप्स पे लगभग अराउंड 35,500 से लेकर 300 के अराउंड। स्टॉप लॉस रहेगा आपका जो लगभग 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए, तो आपको 35,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। और जो टारगेट है आपका वो रहेगा 36,100 और 36,500 का। आपका बाइंग जोन बनता है 35,300 से लेकर 500 के बीच में। आपका स्टॉप लॉस 35,000 के नीचे, टारगेट रहेगा 36,100 और उसके बाद में 36,500 के टारगेट आपको आने वाले एक से दो दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो डिश पे आप 35,000 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर फोकस कीजिए, उसमें एक्युमुलेशन करना है। अगर मार्केट 36,100 पे जाता है या फिर 36,500 पे जाता है तो आपको उसमें ऑप्शन में फ्यूचर के जैसे गेंस देखने को मिलेंगे। यहाँ जो है तो लॉट साइज कम रखिएगा, थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ सकता है ऑन न्यूज फ्लो, मगर जिस तरह से एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी ज़्यादा सॉलिड लग रहा है। और यहाँ जो है तो आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है बैंक निफ्टी में। आपको जो है तो 36,100 और उसके बाद में 36,500 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आई होप सो कि जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉर्ट कॉल चाहिए इंट्राडे में और पोजिशनल इन इंडेक्स फीचर और ऑप्शन में, तो मेरी पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।